मुंबई की प्रगति में काफ़ी मुसलमान भाइयों का सहभाग रहा है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से हमारे मुंबई शहर में आतंकवादी हमले काफ़ी बड़े हैं और इस आतंकवादी हमलों में मुसलमान भाइयों का ही हाथ है ऐसा समझा जाता है। इससे मुसलमान भाइयों में एक डर सा पैदा हुआ है। तो मुझे बताइए चाचा कि जब भी मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट होता है तभी मुसलमानों को उनको ही क्यों दोषी ठहराते हैं? जो आदमी मतलब उससे ताल्लुकात रखता होगा वही आदमी इसके बारे में मुसलमानों के ऊपर मतलब जो है इल्जाम लगाएगा। क्यों कि सब मुसलमान तो वैसा नहीं है और सब हिंदू भी वैसा नहीं है, और एक दूसरे जब हिंदू लोग हिंदू और मुसलमान मिल के रहता है उनके दिल में भी नफरत डालने का काम वो आदमी पैदा करता है। क्यों करता है ये बात जो है वही आदमी जवाब दे सकता है। भारत में जो आतंकवादी घटनाएं होती है उसमें भारत के आम नागरिक काफ़ी प्रभावित होते हैं और ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी को ही हम इसके पीछे जिम्मेदार ठहराते हैं कि कहीं पर भी कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार मुस्लिम कम्युनिटी ही है, लेकिन उसकी वजह से उनके ऊपर जो मानसिक और सामाजिक जो दबाव पड़ता है और वो उस दबाव से पिछड़ जाते हैं। जब तक वो समाज आगे नहीं बढ़ता तब तक हम कह नहीं सकते कि हमारे भारत का पूरा विकास हुआ है। तो ये परिस्थिति कैसे बदलेगी, आपको क्या लगता है कि कैसे बदल सकती है ये जो परिस्थिति? बदल कैसा जाएगा वो तो समझ में नहीं आया ना मेरा। बदलने के लिए हर एक इंसान को अपने दिल के अंदर जो है ना प्यार लेके आना पड़ेगा। हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन नहीं, ऐसा मतलब जात भेद निकालने का नहीं। एक दूसरों से मिलजुल करके काम पे जाओ, एक दूसरे से मिलजुल करके त्यौहार बनाओ, एक दूसरे मिलजुल करके खाओ पियो, एक दूसरों का तकलीफ बटाओ, एक दूसरों का बीमारी हो एक दूसरों का बीमारी में शामिल हो करके उसको अच्छा करने का सोचो। जब मतलब ये सब थी छूत छूत का सब ख़त्म होएगा। अगर हम तुम्हारे दिल में नफरत रखा रहेगा मेरे दिल में तुम्हारे लिए, तुम मेरे दिल में रखो, तो ये सब बढ़ावा देते हुए जाएंगे। हमारे दिल में प्यार पैदा करेंगे तो सब कुछ होएगा, प्यार नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। मुंबई से अमूल लाल जरे, इंडिया अनहर्ड के लिए।